दोस्तों यूं तो हाल ही में प्रीति जिंटा IVF सरोगेसी के जरिए मां बनी है। उन्होंने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है जिनका नाम भी उन्होंने अब रख लिया है। वह आपको बता दें कि प्रीति जिंटा ने अपने बच्चों के साथ अपनी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। हालांकि सिर्फ प्रीति जिंटा ही नहीं, आने वाली साल 2022 में कुछ और बॉलीवुड कलाकार हैं जो माता पिता बनने वाले हैं। तो वहीं कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जल्दी ही ये गुड न्यूज अपने फैंस को देंगे। वह आपको बता दें कि आज के इस वीडियो के जरिए हम इन्हीं कलाकारों के बारे में बताने वाले हैं जो कि साल 2022 में आपको गुड न्यूज देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो के जरिए। नंबर वन पर बात करते हैं निकितन धीर की। दोस्तों बॉलीवुड एक्टर निकितन धीर इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस कृतिका सिंगर से शादी कर चुके हैं। आपको बता दें कि दोनों की शादी को लगभग 7 साल पूरे भी हो चुके हैं और 7 साल के बाद इन्होंने माता पिता बनने का फैसला लिया है। और आपको बता दें कि साल 2022 की शुरुआत में ही दोनों माता पिता बन जाएंगे। दोनों ने ये खबरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की थी। नंबर दो पर दोस्तों बात करते हैं यामी गौतम की। लाखों करोड़ों दिलों के दिल पर राज करने वाली यामी गौतम ने काबिल जैसी फिल्मों से इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया है। हाल ही में उन्होंने आदित्य धर से शादी की है। वो आपको बता दें कि यामी गौतम भी अब प्रेग्नेंट है और साल 2022 के कुछ ही महीनों के बाद यामी गौतम आप सभी को गुड न्यूज भी दे सकती है। इसी वजह से खबरें हैं कि यामी गौतम अब किसी फिल्म में नजर नहीं आ रही हैं और ना ही वो पब्लिक के लिए कहीं पर स्पॉट की जाती हैं। नंबर तीन पर बात करते हैं दीपिका पादुकोण की। साल 2022 में मां बनने वाली हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। बॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपने पति रणवीर सिंह के साथ ये गुड न्यूज सोशल मीडिया पर शेयर भी कर चुकी हैं। साल 2018 में दोनों शादी के बंधन में बंधे थे और अब शादी के 3 साल पूरे होने पर दोनों ने ये बात कबूल कर ली है कि वो जल्दी ही बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नंबर चार पर बात करते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन की। दोस्तों ऐश्वर्या राय बच्चन को विश्व सुंदरी जैसे कई टाइटल हासिल है। वह आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय का नाम इस लिस्ट में शुमार होता है। आराध्या बच्चन के बाद ऐश्वर्या राय फिर से मां बनने वाली हैं। उन्हें हाल ही में काफी ज्यादा वेट पुट ऑन किए हुए देखा गया था, जहां ये कयास लगाए जाने लगे कि ऐश्वर्या राय एक बार फिर से प्रेग्नेंट है। हालांकि इसके बारे में उन्होंने कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी है, लेकिन जब से एक्ट्रेस की खबरें सामने आई है तब से एक्ट्रेस को पब्लिकली नहीं देखा गया। खबरें हैं कि एक्ट्रेस साल 2022 में ही अपने मां बनने की खबर भी सबको देने वाली हैं। नंबर पाँच पर बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा की। दोस्तों एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड के स्टार निक जोनस से शादी की है। यहाँ निक जोनस अमेरिकन सिंगर हैं। निक जोनस से प्रियंका चोपड़ा ने साल 2018 में शादी की। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण की तरह ही प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस भी अब 3 साल के बाद माता पिता बनने वाले हैं। साल 2022 के शुरुआती वक्त में ही प्रियंका चोपड़ा सबको ये गुड न्यूज देने वाली है। नंबर छह पर बात करते हैं वरुण धवन की, जिन्होंने हाल ही में शादी की है। यहाँ आपको बता दें कि वरुण धवन ने दिलवाले और मैं तेरा हीरो जैसी कई फिल्मों में एक्टिंग की और जमकर तहलका भी मचाया। उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल से पिछले साल शादी की थी और अब दोनों जल्दी ही साल 2022 में माता पिता बनने वाले हैं, जिसकी खबर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए तो नहीं दी, लेकिन नताशा दलाल की वायरल हो रही फोटोज के जरिए ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि बॉलीवुड एक्टर से जुड़ी इन खबरों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और इस पर आपकी क्या राय है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सारी टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।